माय डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले दिनों में आपको समांतर माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि बताई गई थी। आज का टॉपिक है माध्य का अविकलन करने की लघुतर विधि। इस विधि में दो फार्मूले हैं, एक है कल्पित कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से निकालने के लिए सूत्र लगेगा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। दूसरी विधि है विचलन विधि से। इस पर सूत्र लगेगा x बार इक्वल टू a प्लस एच यू बार। लघुतर विधि के अंतर्गत ये दोनों तरीके आते हैं। आप इससे भी लगा सकते हो और इससे भी लगा सकते हो। आज आपको इन दोनों सूत्रों का प्रयोग कैसे होगा ये बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 14 बी। सवाल नंबर 2, एक सारणी बनाएंगे इसमें। ये वर्ग अंतराल के लिए है, ये बारंबारता के लिए है, इसमें मध्यमान आएगा, इसमें डी का मान आएगा और इस पर एफ डी। यहाँ पर दिया है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या यहाँ पर है, विद्यालयों की संख्या, छात्रों की संख्या में है 60 से 79, 80 से 99, 100 से
119, 120 से 139, 140 से 159, 160 से 179, 180 से 199। विद्यालय की संख्या है 18, 24, 26, 32, 25, 19, 16, 19। अब यहाँ पर ये जो विद्यालयों की संख्या है ये एफ की वैल्यू है, एफ की वैल्यू है, और यहाँ से वर्ग अंतराल से मध्यमान निकालेंगे मध्यमान, ये एक्स हो गया है तुम्हारे, मध्यमान निकालने के लिए इन दोनों सीमाओं को जोड़कर आधा कर देंगे, इसको इसको ऐड करेंगे और फिर उसका आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 69.5। फिर इसको इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐड करेंगे 179 आएगा, उसका आधा करेंगे 89.5। अब आप इसमें देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस 20 है, तो 20 आप क्रम से जोड़ते चले जाइए, वही संख्याएं इनको जोड़ने से आधा करने पर प्राप्त होंगी। तो इसमें 20 ऐड करेंगे 109.5, 129.5, 149.5, 169.5, 189.5। इन दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा करेंगे ये संख्या आ जाएगी, इसको जोड़ के आधा करेंगे ये संख्या आ जाएगी, इसी प्रकार से ये जोड़कर आधा करने पर ये सारी संख्याएं प्राप्त होंगी। लेकिन हमने आपको यहाँ पर बताया कि आप इन दो में निकाल लिया आधा करके, जोड़ के आधा करके, अब इसके बाद इसका इसका डिफरेंस निकाला 20 आया, अभी इसमें 20 ऐड कर दिया ये आ गया, इसमें 20 ऐड कर दिया ये आ गया, इसमें 20 ऐड कर दिया ये आ गया, इसमें 20 ऐड कर दिया ये संख्या आ गई। अब इसके बाद यहाँ पर निकालेंगे d की वैल्यू, तो d क्या होता है, d इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब a ये क्या है, a है कल्पित माध्य, यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विषम संख्या है, 7, 7 में 1 जोड़कर आधा कर देंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 का आधा करेंगे 4 प्राप्त हो जाएगा। चाहे ऊपर से चौथी संख्या काउंट कर लो, चाहे नीचे से चौथी संख्या काउंट कर लो, ये संख्या आपकी हो गई a की वैल्यू। अब ये यहाँ लिखा है d बराबर x माइनस a, मीन्स ये संख्याएं सभी x हैं,
एक्स वाली वैल्यू में ए वाली वैल्यू माइनस करके जो आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो इस संख्या को इन सभी संख्याओं में घटा करके यहाँ पर लिखेंगे। जब इसमें इसको घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 149 में तो ये घटेगा माइनस 1, यहां पर घटाने पर प्राप्त हो जाएगा 149.5 69.5। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ माइनस में बचेगा 0 0। 14 में सॉरी 129 घटाना है, तो यहाँ पर आ गया 12 में 6 गया 6, 60 आया माइनस का, यहाँ पर माइनस 60 आ गया। फिर इसमें जब घटाएंगे तो माइनस 40 आ जाएगा, फिर इसमें जब घटाएंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, इसमें घटाएंगे 0 आ जाएगा, इसमें घटाएंगे 20 आएगा, इसमें घटाएंगे 40 आ जाएगा, इसमें घटाएंगे 60 आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर f इंटू डी निकाल देंगे, f इंटू डी, ये लिखा है d, a लिखा है, इसका इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18 6 108 माइनस 18 6 108 0 बढ़ा दिया। इसी प्रकार 24 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 96 और 0 बढ़ जाएगा, 996 आ गया। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 26 गुना 52 0, 0 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे 0, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 500, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 19 6 76, फिर 16 6 96, अब यहां पर माइनस माइनस वाली संख्याओं को ऐड कर लीजिए, 0 8 6 14 2 16 10 5 15 2560 माइनस का आ गया। यहाँ प्लस वाली ऐड कर लीजिए, 0 6 6 12 5 1 6 6 7 13 13 9 22, ये संख्या आ गई। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा सिग्मा एफ डी इक्वल टू माइनस वाली संख्याओं का टोटल इतना है, प्लस वाली संख्याओं का टोटल इतना है, तो ये इसमें लेस हो जाएगा।
पच्चीस, साठ, 2220, 40, 3 माइनस का 340 आ गया। अब इसके बाद में इसका टोटल कर लेंगे, सिग्मा एफ 8 4 12 12 6 18 18 2 20 20 5 25 25 9 34 34 और 6 40 जीरो हाँसे लगा 4 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15 1 16 इसका टोटल आ गया 160। अब हमें देखिए मालूम हो गया ए की वैल्यू ये है, सिग्मा एफ ये है, सिग्मा एफ टी ये है। तो जैसा कि उन्हें पहली विधि में आपको बताया था, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना, उसका फार्मूला यूज करें, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू है 129.5 प्लस माइनस 340 अपॉन 160। इसको ब्रैकेट में रखें। अब यहाँ ये कट करके आ जाएगा आपका 129.5 माइनस 0 0 कट जाएगा, 2 से काट देते हैं, यहाँ 80 हो गया, 2 से इसको काट दिया 17, ये आया 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल गया 17/8। 8 का भाग इसमें दे देंगे, माइनस 8 × 16 फिर 10 पड़ेगा, 10 8 × 8 फिर 2 पड़ेगा, 20 8 × 16 4 पड़ेगा, 40 हो जाएगा, 8 × 5 = 40। इसको आप लिख सकते हो 5 माइनस 2.13 माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे इसमें, यहाँ पे देख लें 129.50 माइनस करना है 2.13 7 3 7 2 आपको मिल गया 127.37। माध्य का अभिकलन करने की लघुतर विधि में दो विधियां आपको बताई गई, पहली है कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना, और दूसरी है विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। अभी इसमें हमने आपको कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना दिखाया। अब इसकी दूसरी विधि, दूसरे तरीके से इस सवाल को किस तरह से लगाएंगे। प्रथम विधि से ये पूरा कंप्लीट हो गया,
अब दूसरी विधि में इसमें क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी, यहां से आप देखिए इस जगह से बदल जाएगा, यहां लिख रहे पहला आपका पूरा कंप्लीट हो गया, यहां पर ओ आर कर दीजिए अथवा, मतलब जैसे पहले आपको बताया उस तरह से कर सकते हो, अथवा अब ये दूसरी विधि हो गई। दूसरी विधि में क्या, जो पहली विधि में ये आपने किया ये दूसरी विधि में भी रहेगा। इसके आगे क्या करना होगा वो देखिए, यहां पर डी निकला, अब यहां पर पहले यू निकालेंगे। यू क्या होता है, यू बराबर डी अपॉन एच, डी अपॉन एच। एच क्या है, ये डी की जितनी वैल्यू दी हुई है इन पर हाईएस्ट कॉमन कितना है, ये सभी संख्याएं जिस बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड हो जाएगी वह संख्या हाईएस्ट कॉमन होगी, उसे एच कहते हैं। तो यहां ये सभी संख्याएं 20 से डिवाइड हो जाएंगी, 20 का सभी संख्याओं में भाग चला जाएगा, तो एच बराबर हो गया 20, एच इक्वल टू 20। और अब 20 से डी के मान में भाग देकर जो भागफल प्राप्त होगा वो यू हो गया। ये एच की वैल्यू से इसमें भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा -3, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। इन सभी संख्याओं में एच की जो वैल्यू है उससे भाग देकर जो भागफल प्राप्त हुआ वो यहाँ पर लिख दिया, यू आपका निकल आया। अब यहाँ पर निकालेंगे एफ, एफ इंटू यू। एफ इंटू यू कैसे निकालेंगे, एफ ये है यू ये है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 तिरका 54, 24 गुना 48, माइनस का 48 आ गया, 26 एक कम 26, 32 × 0 = 0, 25 का × 1 में करेंगे 25 आ गया, 19 का × 2 में करेंगे 19 × 2 = 38, 16 का × 3 में करेंगे 16 × 3 = 48। अब यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे, इसका माइनस माइनस वाली संख्याओं का टोटल कर लीजिए, माइनस माइनस वाली संख्याओं का टोटल करेंगे, 8 × 4 = 12, 12 × 6 = 18, 5 × 1 = 6, 6 × 4 = 10, 10 × 2 = 12, प्लस प्लस वाली संख्याओं का वो ऐड कर लेंगे, 8 × 5 = 13, 13 × 8 = 21, यहाँ से लगा 2, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 7, 7 × 4 = 11। अब ये वाली संख्या इसमें माइनस हो जाएगी तो ये आ जाएगा -128, प्लस का आया 111, माइनस हो जाएगा माइनस का 17 आ गया, सिग्मा एफ यू बराबर माइनस
17 आ गई। सिग्मा एफ यू का मतलब है एफ यू की जितनी वैल्यू है उन सभी का टोटल। तो अब यहाँ कुछ मान माइनस में हैं, कुछ मान प्लस में है, तो सभी का टोटल निकालना है तो इसके लिए माइनस माइनस वाली संख्याओं का टोटल अलग निकाल दिया, प्लस प्लस वाली संख्याओं का टोटल अलग निकाल दिया। अब बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो प्लस वाली उसमें माइनस हो गई, तो माइनस का बचा 17। तो इन सभी संख्याओं का टोटल आ गया माइनस 17। अब इसके बाद में आप करेंगे, यहां पे देख लीजिए, सबसे पहले आप निकालेंगे यू बार। यू बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे सिग्मा एफ यू की वैल्यू -17 है, -17 रख दिया, बटे सिग्मा एफ 160 है, 160 रख दिया। अब इसका भाग इसमें देना है, उसको हम आगे कर लेंगे। यहाँ पे आ जाइए, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच यू बार। अब यहाँ देखिए ए है, ए क्या है, वही जो पहली विधि में हमने कैपिटल ए लिखा था उसी को आप यहाँ स्मॉल कर दीजिए, पूरा सब काम वही है। पहली विधि में यहाँ कैपिटल ए लिखा था, दूसरी विधि में उसी को हम स्मॉल कर देंगे, कार्य सब वैसे ही करना है। एच यहां पर लिखा हुआ है, सबकी वैल्यू पुट अप कर दीजिए, एक ही वैल्यू 129.5 प्लस एच की वैल्यू 20 इंटू यू बार -17 अपॉन -17 अपॉन 160 ये है। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, 20 8 160 काट दिया, अब कितना बचा 129.5, और ये प्लस है या माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब 8 से इसको काटोगे, 8 से 17 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 16 डेसिमल 1 शेष बचेगा, उसमें 0 बढ़ाएंगे 10 हो गया, 8 × 1 = 8, फिर 2 बढ़ेगा 0 बढ़ाएंगे 8 × 16, फिर घटाएंगे 4 बचेगा, 4 के आगे 0 लगाएंगे 40 हो गया, 8 × 5 = 40। तो हमें प्राप्त हुआ 2 डेसिमल, यहाँ डेसिमल के बाद 3 अंक हैं, तीसरा अंक 5 है, यहाँ अगर 5 या 5 से अधिक होने पर इसको हटाएंगे तो उसके बगल वाले में एक ऐड कर देंगे, तो ये हटाएंगे यहाँ पर एक ऐड कर देंगे, अगर यहाँ पर 5 से कम होता तो उसको हटा दिया जाता और बगल वाले में कोई संख्या ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर हो गया आपका 1.2.13। अब इसमें इसको माइनस करेंगे, माइनस करना अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पर 129.50 घटाना है -2.13, 7 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 127.5
तीन सात 127 डेसिमल 37 इसी प्रकार से इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं वो सभी इसी तरह से लगाए जाएंगे। आप फेयर कॉपी में ये जो दो विधियां बताई हैं इनमें से किसी भी विधि से आप सवाल सॉल्व करें। अगले टर्न में इसके आगे की एक्सरसाइज कराई जाएगी, उसमें माध्यिका के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।